अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके चैनल को खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैंने भी सोशल मीडिया के ज़रिए से ही देखा कि एक लेटर जो है वो गश्त कर रही है और जिसमें लिखा गया था कि एओ म्यूनसिपलिटी ने प्रेसिडेंट ऑफिस को सील किया, क्योंकि सैटरडे का दिन था, संडे ऑफ होता है। मंडे को जब मैं आया अपने ऑफिस में तो मैंने चपड़ासी से ताला खुलवाया, उसने ताला खोल दिया, तो हम आकर बैठ गए। क्योंकि ये मैटर जो है ये 21 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बावजूद हम फिर कोर्ट में चले गए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने मुझे जस्टिस दिया और केस हाईकोर्ट में चलता है। जहाँ तक इस केस के रिमूव होने की बात है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि आप अपील कर सकते हो, तो हमने अपील दायर की, जिसमें हमारा डेट अभी 9/8 को हुआ है। 9/8 को ऑनरेबल हाईकोर्ट देखेगी क्या ये जस्टिस है कि नहीं है। उनका जो भी आर्डर होगा वो हम पर काबिल कबूल है और इंशाल्लाह हम उनके आर्डर का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। उस समानता के तहत जो भी कार्रवाई बनती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने की, वो जनाब हम तस्लीम करेंगे जो भी एज पर एक्ट म्यूनसिपल 2000 होगा। इसमें प्रेसिडेंट साहब जो ना हमारे पास कोई इसका कोई कागज़ आया है, ना कोई चिट्ठी है, ना ईओ साहब की कोई चिट्ठी है, ना हाई कोर्ट की कोई चिट्ठी ऐसी है कि आपको जी रिमूव किया गया है और आपको हम कुर्सी से उतार रहे हैं, ऐसा कोई आर्डर मेरे पास नहीं है। अब वर्बली कोई कहता है तो मैं आपकी वसादत से उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा आर्डर है वो आकर शो करें, तो जो भी म्यूनसिपल एक्ट के लॉ के हिसाब से होगा वही होगा। किसी के कहने से ना किसी की कुर्सी बदलती है, ना किसी की कुर्सी बचती है, ना किसी की बनती है। कोर्ट ने आर्डर नहीं किया है, कोर्ट ने कोई आर्डर नहीं दिया है कि आप कंटिन्यू करो या नहीं करो। सीधा आर्डर है कि ये जो फाइल हमारा जो केस था वो रिमूव हो गया है, वो आप केस नहीं रहा। मगर कोर्ट ने हमको रिलैक्सेशन दी थी कि अगर आपको कोई इसमें आपत्ति है तो आप अपना इसमें फाइल कर सकते हो। सो हमने फाइल कर दिया 20 तारीख को, तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी अर्जी जो है मंजूर करके 9/8 को इसकी तारीख दी है। 9/8 को दोबारा फाइल सुनी जाएगी, फिर उसके बाद जो कोर्ट का आदेश होगा वो हम तस्लीम करेंगे, न कि किसी के कहने से हम ये अभी अपना बात छोड़ेंगे। क्योंकि जब तक ना मुझे ऑफिशियली कोई इसमें दस्तावेज मिलेंगे जिससे मैं ये बात छोड़ सकूं, इससे आपके जो नहीं कोई इफेक्ट नहीं हुआ वो आपके सामने आया है कि मैं एज प्रेसिडेंट रहा तो जो काम 47 से नहीं हुए वो मैंने इंशाल्लाह आपकी नज़रों में बखूबी किए हैं, कर रहा हूँ। चाहे ये चेयर मेरे पास रहे ना रहे, फिर भी मैं बनिहाल की आवाम के लिए खिदमत करता रहूँगा और इंशाल्लाह ये मेरा पूरा अंदर से ईमान है कि जितना बन पड़े मैं बनिहाल की खिदमत करूँगा और इस म्यूनसिपलिटी को जितनी भी प्रॉब्लमें हैं उनको हल करने में भरपूर तआवुन दूँगा। वसलाम।